हेलो गाइज, आप सभी का स्वागत है अपने इस यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपका दोस्त हैप्पी सिंह, लेकर आया हूं गाइज आप सभी के लिए नई वीडियो। गाइज आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप कैसे अपने किसी भी आईफोन में S14 के वॉलपेपर्स को आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज ये अपने आप पास S14 के वॉलपेपर्स, तो गाइज अपने पास S15 का भी वॉलपेपर है। तो गाइज ये अपने S15 का वॉलपेपर, तो गाइज बहुत ही बढ़िया HD क्वालिटी के वॉलपेपर्स है। तो गाइज आप सभी इंस्टॉल कर सकते हैं इन वॉलपेपर्स को अपने किसी भी आईफोन में। तो गाइज वीडियो आज की बहुत ही बढ़िया होने वाली है, तो गाइज वीडियो को पूरा देखें। साथ में गाइज आप अपने चैनल पर तो प्लीज़ अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में देखें बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। तो गाइज सबसे पहले आपको अपने आईफोन में एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो गाइज वो एप्लीकेशन है वॉलपेपर सेंटर की। तो गाइज आपको जो ये एप्लीकेशन है वॉलपेपर सेंटर की, तो आपको ये S14 में मिलती है। तो गाइज आपके आईफोन का वर्जन S14 होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने आईफोन में। तो गाइज अपने पास एक एंड्रॉयड डिवाइस भी है, तो गाइज अपना यह है रियलमी का डिवाइस है। तो गाइज इसमें भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने इस एप्लीकेशन को। तो गाइज ये है वॉलपेपर सेंटर। तो गाइज अपने सिंपली अपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। तो गाइज आपको सिंपली यहाँ पर टाइप करना पड़ेगा वॉलपेपर सेंटर। तो गाइज आपने सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना अपने किसी भी आईफोन में और एंड्रॉयड डिवाइस में। तो गाइज जब आप इसे इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपने करना क्या, सिंपली इस एप्लीकेशन को ओपन करना है। तो गाइज आपने अपने डाटा कनेक्शन को ऑन कर लेना है। तो गाइज चलिए ओपन करते हैं अपनी एप्लीकेशन को। तो गाइज आपके सामने एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो गाइज आपके सामने यहाँ पर S15 का भी वॉलपेपर आपके सामने आ चुका है। तो गाइज आपके सामने करना क्या है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। तो आपके सामने यहाँ पर डाउनलोड की ऑप्शन आ रही है। तो गाइज आपने सिंपली इस डाउनलोड की ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देना, तो आपके सामने ये प्रीव्यू भी देता है इसके वॉलपेपर्स का। तो गाइज आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, तो आप इसका वॉलपेपर का प्रीव्यू भी देख सकते हैं अपने किसी भी आईफोन में। तो गाइज आपने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने सिंपली यहाँ पर सेव इन गैलरी के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका जो वॉलपेपर है अपनी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो गाइज ऐसे आप अपने आईफोन में और भी बढ़िया वॉलपेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आपके सामने यहाँ पर आपको कलेक्शन भी मिल जाती है। तो गाइज आपके सिंपली यहाँ पर कलेक्शन के ऊपर जाना है। तो गाइज आपके सामने यहाँ पर बहुत से वॉलपेपर्स आपके सामने खुल जाते हैं। तो गाइज आप कोई भी वॉलपेपर अपनी मर्जी के साथ डाउनलोड कर सकते हैं इस एप्लीकेशन में से। तो गाइज बहुत ही HD क्वालिटी के वॉलपेपर्स आपको मिलते हैं। अपने सैमसंग गैलेक्सी के भी वॉलपेपर्स को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आपने सिंपली यहाँ पर टैप करना है, आपके सामने वॉलपेपर्स ओपन हो जाते हैं सैमसंग गैलेक्सी वॉलपेपर्स। तो गाइज आप कोई भी वॉलपेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आपके सामने सिंपली सेव पर क्लिक करना है, तो आप कोई भी वॉलपेपर डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आपने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है, और आपको यहाँ पर बता रहा है कि 27 MB का ये वॉलपेपर है। तो गाइज बहुत ही बढ़िया क्वालिटी मिलती है वॉलपेपर्स की आपको इस एप्लीकेशन में से। तो गाइज ये अपने S14 के वॉलपेपर्स। तो गाइज आपने करना क्या है, सिंपली यहाँ पर टैप करना है, इसे ओपन करना है S14 के वॉलपेपर्स को। तो गाइज आपके सामने यहाँ पर S14 के वॉलपेपर्स ओपन हो जाते हैं। तो गाइज कोई भी वॉलपेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज आपने सिंपली यहाँ ऊपर करना है, इसको यहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं सिंपली। तो गाइज आपने सिंपली यहाँ पर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। तो गाइज वेट करते हैं थोड़ी देर। तो गाइज आपको डाउनलोड की ऑप्शन आ चुकी है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। गाइज आपने सिंपली इसे सेव इन द लाइब्रेरी गैलरी में सेव कर देना है। तो गाइज आपका जो वॉलपेपर अब कम्प्लीटली आपकी गैलरी में सेव हो चुका है। तो गाइज जैसे आप अपने आईफोन में और एंड्रॉयड डिवाइस में S14 के वॉलपेपर्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। वीडियो से प्लीज़ लाइक कर दें, साथ में अपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और साथ में देखिए बेल नोटिफिकेशन को बैक कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में गाइज।